नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है सिरपुर के एक और सीरीज में। और आज हम लोग आए हैं लक्ष्मण मंदिर एवं संग्रहालय। तो आप मेरे पीछे में देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो चले चलते हैं सीधे अंदर और शायद तक टिकट लेना पड़े, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करते हैं अंदर को। और यहाँ से जैसे बारनवा पारा जाना चाहेंगे तो 15 किलोमीटर, नारायणपुर 43 किलोमीटर, मल्हार जो है 88 किलोमीटर और श्री नारायण जो है 83 किलोमीटर, मतलब यहाँ से पड़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर में। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। और जैसे कि यहाँ पे सूचना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ सूचना दिया हुआ है, उसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ड्रोन फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इधर से भाई हमें टिकट खरीदना है। और ये यहाँ का गार्डन देख सकते हैं। और जैसे आप आगे जाओगे ना, फिर लक्ष्मण मंदिर जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और ये है यहाँ का दृश्य। तो चले पहले टिकट ले लेते हैं। और टिकट यहाँ पे देख सकते हैं 25 रुपया टिकट। चार पकड़ो इसको पकड़। ओ और यहाँ पे जो है बच्चों का निःशुल्क 15 साल से नीचे में पेयजल, तो उन्होंने ले लिए टिकट। और चलते घूमते फिर। तो दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा। और जैसे आप देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये लक्ष्मण मंदिर है। और जैसे अगल बगल में आप देखोगे तो ये सब है गार्डन। और मेरे ख्याल से पुराने ज़माने का कुछ टीला वगैरह बना रहा होगा, वो है जो ईंटें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या है वहाँ। तो दोस्तों पीछे में कुआं है, तो चलिए कुएं की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कुएं में क्या है। उसके बाद जो है फिर लक्ष्मण मंदिर में जाएंगे घूमने के लिए, लक्ष्मण मंदिर में। और फिर देखते हैं अंदर क्या चीज़ है। तो चलिए पहले देखते हैं कुआं। तो ये है कुआं और इसके अंदर पानी वानी भाई बहुत गड्ढा है यार, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत गड्ढा है।
बहुत गहरा है। कौन से शताब्दी में बना हुआ था? सातवीं शताब्दी में। तो शूज पहन के जा सकते? हाँ हाँ, वो जगह निकाल दे। तो चलिए चलते हैं ऊपर में और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ से देखोगे तो भाई इस तरह से दिखेगा, धूप आ रहा है ना, उसकी वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो देखिए इस तरह से तो साइड हो जाता है, और जैसे आप नीचे में देखोगे तो पुराने पत्थर का कुछ बना हुआ है दोनों साइड। जैसे इसके अगल बगल दीवार में देखेंगे ना तो ये पुराने जमाने का पूरा कलाकृति बना हुआ है, देख सकते हैं। इस साइड में भी है तो दोस्तों वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं यार। और संग्रहालय भी है उधर, तो उधर जाने का प्लान कैंसिल हो गया तो उधर नहीं जा पाएंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।